हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए, हमारे अम्बाले में लगा हुआ था मेला और बच्चे जिद कर रहे थे, पापा मेला देखने चलो चलो चलो। तो इस वजह से हम फिर ये जैसे ऑफिस आए, खाना खुना खाया और फिर खाना खाने के बाद बच्चों को लेकर हम चल दिए थे मेले में। तो जी देखिए, रात को हम गए थे लगभग 8 साढ़े 8 बजे, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो जी देखिए, मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, चलो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लिए जाए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ छोटा मोटा सामान भी बिक रहा था। देखिए मेले में हर चीज़ बिक रही थी, वैसे तो छोटी मोटी पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो हमने तो कुछ नहीं खरीदा था, बस बच्चों को इंजॉयमेंट कराने के लिए लेकर गए थे। तो वहाँ पर झूले वगैरह भी लगे हुए थे और जागरण भी हो रहा था वहाँ पर ना, शिव पार्वती की शादी का। हम गए थे तब तो शिव पार्वती की शादी हो रही थी। तो आपको आगे आगे व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा, और व्लॉग में ना ऐसे कंटिन्यू रहना और देखना कि मेले में हमने क्या क्या इंजॉयमेंट किया है। बच्चों ने तो पूरा फुल इंजॉय किया है वहाँ पर झूले में, इनको तो बस एक ही चीज़ पसंद आती है, जंपिंग में, वहाँ पर जंप करने का इनको बड़ा अच्छा लगता है। चलिए फिर व्लॉग में ऐसे कंटिन्यू बने रहना, और वो जिस व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। मैं आशा करता कि तुम मेरे लिए सुखदायी हो। ओम यज्ञ आदि कार्यों में हम आपकी सहायता करेंगे। धन अर्थ काम के कार्यों में हम आपके मत अनुसार व्यवहार करेंगे। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हो गए, और हमने अपने शरीर को आपको अर्पित कर दिया है। हमारे पूर्व जन्म के विकर्मों से ही आज आप हमारे पति हैं और हम आपके वतन। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा हम उससे संतुष्ट रहेंगे। पालक से लेकर वृद्ध तक अपने कुटुंब का पालन करेंगे। मैं तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। हम नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपके लिए मिठाई और भोजन बनाएंगे। मैं परायश्ते की कामना कभी नहीं करूंगा और भोजन में सावधानी रखूंगा। हम पवित्र श्रृंगार से अपने आप को विभूषित करेंगे। वाणी मन और शरीर मैं यज्ञ कर्म और अर्थ के काम नहीं करूंगा। तीर्थ और भ्रमण हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दुख में धैर्य रखेंगे और सुख में प्रसन्न होंगे और सदैव आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे और किसी पराये पुरुष के कभी समीप नहीं जाएंगे। उपवन, उद्यान और मनोरंजन के स्थान पर हम साथ साथ प्यार करेंगे। भोजन बनाने में तुम्हारी रुचि चलेगी। हम आपके घर में सुख से रहेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे। फाइनली यहाँ पर शिव पार्वती की शादी हो चुकी थी और हम आ गए थे दूसरी साइड जहाँ पर लगे थे झूले। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के ना झूले लगे हुए थे बच्चों के लिए, तो मैं नहीं बैठी थी क्योंकि हम खाना खुना खाकर गए थे ना, तो हम मुझका कहीं वॉमिटिंग ना हो जाए, फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सिर्फ बच्चों को ही झुलाया था, और यहाँ पर ये बच्चे कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे थे यहाँ पर। तो जी फिर उसके बाद हम घर आ गए थे क्योंकि रात भी हो गई थी काफ़ी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।